Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. So, welcome back student, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे e-Parshala के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल, जिसका आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। द ग्रीन मोमेंट आप सभी जानते होंगे, वाकिफ होंगे, हरित क्रांति एक हमारे इंडिया में हुई थी और एक पूरे वर्ल्ड में भी हुई थी, तो ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। आइए बढ़ते हैं हम अपने आगे चैप्टर की तरफ और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इस चैप्टर के ऑथर हैं मिस्टर नानी पाखीवाला। मिस्टर नानी पाखीवाला एक इंडियन जूरिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो लॉ में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे और ये इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, इन्होंने इस चैप्टर में हमें नेचर की वैल्यू बताने की कोशिश करी है। इनका पूरा नाम है नानी अर्धशिर पाखीवाला। तो इनका नाम आप लोग देख रहे हैं, इनके बारे में देख सकते हैं आप लोग, विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं अच्छे से और भी जानकारियाँ, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नाम याद रखिएगा, हो सकता है एक मार्क का क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, बस इतना सा ये इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी। अब आगे देखते हैं अपना चैप्टर किस बिहाफ पर है। तो अपना चैप्टर मेनली क्या चीज़ दिखाता है हमें, हमें दिखाता है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, वो नेचर को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसके साथ कितना बुरा कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाता है ये चैप्टर हमें। तो अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और इसकी डिटेल्स में जाते हैं थोड़ा, और ऐसा एक ओवरव्यू तैयार करते हैं जिससे आप लोगों को इस चैप्टर की कोई भी आंसर लिखने में दिक्कत ना आए। तो अब देखते हैं अपने चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो कहाँ की है, ये फ़ोटो लुसाका जाम्बिया, एक जगह है लुसाका जाम्बिया में, जाम्बिया की कैपिटल है, उसका एक जू है, उसके बाहर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ओपन टू फाइंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग इस गेट को खोलिए और वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसको देखिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है। वो मिरर क्या बताता है, वो मिरर हमें अपनी शक्ल दिखाता है और दिखाता है कि जो इंसान है वही सबसे डेंजरस एनिमल है इस वर्ल्ड का, इससे ज़्यादा डेंजरस एनिमल कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहना है इन लोगों का, ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि इंसान जो पूरा नेचर है उसको बर्बाद कर दे रहा है, सारे जानवर जिससे मर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा डेंजरस तो कुछ है ही नहीं। अब आगे देखते हैं और चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इस चैप्टर में न्यूजीलैंड की एक ग्रीन पार्टी के बारे में बताया गया है, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की एक तरह से हम कह सकते हैं स्टार्ट करी थी ग्रीन पार्टी, उसके ये दोनों को लीडर्स हैं, रॉड डोनाल्ड और जेनेट फिट्ज़सिमन्स। आप लोग इनके नाम देख सकते हैं, इनके बारे में भी विकिपीडिया पे और जानकारियाँ अवेलेबल हैं, बट हमें इससे ज़्यादा कोई रिलेटेबल करना नहीं है, बस मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दिया है और इनका ज़्यादा कोई काम भी नहीं है हमारे चैप्टर में। तो अब हम लोगों को चैप्टर में क्या बताया गया है, हम लोगों को चैप्टर में बताया गया है कि 1972 में जो ये हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा ग्रीन पार्टी, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन करा, उस ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, हमारी लाइफ में जो इकोनॉमी की रेस थी या जो नेचर को एक्सप्लॉइट करके हम रेस कर रहे थे, उससे ध्यान खींचकर हमारा ध्यान लाया किसकी तरफ, नेचर की तरफ। हम नेचर पर भी अब फोकस थोड़ा बहुत करने लग गए हैं, पहले तो ये था हम बिल्कुल एकदम पागल थे पैसा कमाने के पीछे, हमारे सारे देश, सारी पूरी वर्ल्ड, पूरी कंट्रियाँ एकदम पागल हो रखी थी पैसा कमाने के लिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। बट जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन पार्टी ने ये चीज़ आई, ये चीज़ सामने लाए कि हमारा नेचर कितना बर्बाद हो रहा है, हमारी अगली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे वर्ल्ड का ध्यान धीरे धीरे इसकी तरफ भी गया और हमने वर्ल्ड के जो जितने भी नेचर थे उनके बारे में और सोचना शुरू करा। इससे हमें एक चीज़ की नॉलेज हुई, वो नॉलेज क्या थी, वो नॉलेज ये हुई इससे, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ मानना शुरू करा, हमने मानना ये शुरू करा कि ये जो अर्थ है, मान लीजिए ये एक अर्थ है, ये भी एक लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, इसके अंदर भी जान है। जान किस तरीके से है, देखिए अगर जान ना होती तो ये हम लोगों को भी जिंदा ना रख पाती, क्योंकि जिन चीज़ों में भी जान होती है वो सारी चीज़ें हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। तो अर्थ के अंदर भी जान है, ये भी एक लिविंग थिंग है, ये हमें एनर्जी देती है, ये पेड़ पौधे उगाती है, सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर हो रही है, बट हम लोग कभी फोकस ही नहीं करते कि अर्थ कितनी चीज़ों को अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। इसकी भी कुछ नीड्स हैं, अर्थ की भी, ये जो हमारा घूमता हुआ अर्थ है इसकी भी कुछ नीड्स हैं, इसकी नीड्स बहुत सारी हैं। अगर आप लोग नीड्स के बारे में जाएंगे तो बहुत कुछ है इसमें, जैसे हम इसे क्लीन रखें,
पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कम से कम इसके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें या वेस्ट करें, वेस्ट ना करें, कम से कम यूसेज करें, कम से कम वेस्ट करें, जितना हो सके इसको बचा कर रखें। ये सारी इसकी नीड्स हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तभी ये आगे के लिए बहुत ही अच्छा रह पाएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बर्बाद होता जाएगा पूरा नेचर। और नेचर बर्बाद होने से क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। अर्थ ने बहुत कुछ अपने अंदर समा रखा है जिसकी आज तक हमें नॉलेज तक नहीं है, और अर्थ का गुस्सा भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे ज्वालामुखी फटना और ग्लेशियर्स पिघलना, ये सब अर्थ का एक तरह से गुस्सा है। ये वो अपना गुस्सा दिखा रही है किसके प्रति, ह्यूमंस के प्रति, ह्यूमंस के लिए अपना गुस्सा दिखा रही है कि तुम लोग मेरे को वेस्ट करते हो तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर सकती हूँ, ये दिखाने का मतलब है। अगर हम एक वे में सोचें तो ये इसका मीनिंग आ सकता है, बट हम लोग ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, हम उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन का एक वो था, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे कमीशन बना था, जिन्होंने क्या करा, 1987 में एक रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट का नाम क्या दिया था, आर कॉमन फ्यूचर्स। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में डीपली पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं तो इसमें बताया किस चीज़ के ऊपर इन्होंने फोकस करा था, इन्होंने फोकस करा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम इकोसिस्टम को साथ लेकर अपना डेवलपमेंट करें। जैसे हम विंड मिल्स लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, इकोसिस्टम बर्बाद ना करें और अपना डेवलपमेंट करें, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट में इसी चीज़ पर ध्यान दिया गया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, जिससे हमारा फ्यूचर, हमारे अपकमिंग बच्चों के लिए हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें, वो भी इनका यूज़ कर पाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में वो लोग ये सब देख ही नहीं पाएंगे। इसके बाद हमें बताया गया है एक लेस्टर आर ब्राउन के बारे में, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। मार्च 28, 1934 में ये बॉर्न हुए। इनका काम क्या था, ग्लोबल एनवायरमेंटल एनालिस्ट और ऑथर थे ये। इन्होंने हमें चार चीज़ों के बारे में बताया कि वर्ल्ड किससे चलता है, हमारा वर्ल्ड जो है वो किस चीज़ से चल रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं वो किस चीज़ से चल रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बताया फिशरीज़ क्या है, मतलब जो एक मछलियाँ हैं इनमें कई प्रजातियाँ होती हैं, आप लोग जानते हैं, वाटर वर्ल्ड मान सकते हैं हम इसको एक तरह से। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर वर्ल्ड, ये नहीं होगा तब भी हमारा बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया फॉरेस्ट, हम सभी फॉरेस्ट का यूज बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगी टाइम पर, मानसून नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है ग्रासलैंड्स, मतलब चारागाह, आप लोग हिंदी में जानते होंगे चारागाह होता है, जैसे बड़े बड़े ग्रास के लैंड्स होते हैं, उस पर कुछ और नहीं होता, इससे क्या होता है, इससे हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो जिंदा रह पाते हैं, यही रीज़न है। क्योंकि मान लीजिए अगर एक हिरन घास खाएगा तभी जिंदा रहेगा, और शेर अगर हिरन खाएगा तभी जिंदा रहेगा, मतलब उसको मांस चाहिए, तो ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं अगर हम देखें तो। और फोर्थ की चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ है क्रॉप लैंड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। क्रॉप लैंड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे बेसिक वे में, जे जहाँ पे हमारी फसल सूखती हैं, फसलें आजकल पैदावार बहुत कम हो रही है, अपनी फर्टिलिटी खो रही है लैंड, ये सारी चीज़ें इन्होंने फोकस कराने की कोशिश करी कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा वर्ल्ड मेरे ख्याल से नहीं रह जाएगा, इनका कहना ये था। और ये हम जो हैं लगातार कंटिन्यूसली इन सब चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, लगातार इन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, लगातार यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये अपनी फर्टिलिटी, अपने जितने भी रिसोर्सेज थे वो खो रही है। तो एक बात इससे हमें क्या पता चलती है, हमें इससे एक बात ये पता चलती है कि जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम है, ये आप लोग एक मैकेनिज्म देख रहे हैं, अगर ये पहिया नहीं घूमेगा, अगर ये पहिया ना घूमे, मान लीजिए गोल्डन पहिया, तो ये सिल्वर पहिया भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनका कहना ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये किस चीज़ पर रिलेट करता है, ये रिलेट करता है नेचर पर। अगर नेचर नहीं रहेगा तो वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं चल सकती। वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ से है, कोई अपनी कंट्री की इकोनॉमी फूड बेचकर कमा रहा है, जिसके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फूड बेच रहा है, लकड़ियाँ बेच रहा है, और जिसके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास गोल्ड है वो गोल्ड बेच रहा है, ऐसे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है। तो ये सारा किस पे बेस्ड है, ये सारा बेस्ड है नेचर पर। अगर नेचर ही नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा,
हम लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर को लगातार लगातार उसको डैमेज करते जा रहे हैं, डैमेज करते जा रहे हैं, जिससे कि अंदाज़ा ये है कि जो कुछ इस तरह की दिखने वाली आज वर्ल्ड है वो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं बचेगा नेचर के नाम पर। हम लगातार इसका यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर की जो जनरेशन्स आएगी वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे तो वैसे ही वंचित हो चुकी होगी, वो उसे देख भी नहीं पाएगी कि ये भी कभी हमारे नेचर में हुआ करता था। बहुत सारे हम जानते हैं एनिमल के, बहुत सारे बर्ड्स के, हम उनको वो एकदम विलुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। हम उनको अब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से बहुत कम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, बट रिज़ल्ट उसका बहुत कम आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, हम अपने नेचर का बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, नेचर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन पार्टी बनी, तो इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मतलब एक वर्ल्ड लेवल पर बातें उठाई किस चीज़ से रिलेटेड, कि हमें नेचर का इतना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करना चाहिए वरना पूरा नेचर ख़त्म हो जाएगा। तो एक आउटकम निकला, जो कुछ समझदार व्यक्ति थे, कुछ समझदार कंपनियों के मालिक थे और पूरा वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो इंटेलिजेंट थी, जो बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेचर को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लिए। स्टेप्स में आप लोग देख रहे हैं सोलर एनर्जी का यूज़ करना, विंड मिल्स लगाना जिससे एनर्जी बन सके, कोयले का कम से कम उपयोग करना एनर्जी बनाने के लिए, बायोगैस यूज़ करना, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे कि हमारा नेचर जो है वो बच सके। बट अभी भी कुछ कंट्रियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा नेचर को एक्सप्लॉइट कर रही है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, जो कि अच्छा नहीं है। और इस चैप्टर में हमें एक चीज़ और बताई गई है, वो क्या है वो हम देखते हैं। वो उन्होंने बताया है इस चैप्टर में कि जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो नेचर को हम नहीं बचा सकते। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है नेचर के बर्बाद होने का। वो इन्होंने किस वजह से बताया, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होगी रहने के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब एक ह्यूज लेवल पे इन लोगों को नेचर का बर्बाद करेंगे, बहुत सारे पेड़ काटेंगे, ज़मीनें अपने कब्जे में करेंगे। तो ये एक रिकॉर्ड है, एनुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रोथ रेट 1950 से 2100 की, 2100 आया नहीं है बट एक्सपेक्ट करा गया है कि कुछ इस तरीके का होगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ पहले के टाइम में अगर हम देखें 2010 तक या 1980s तक देखें अगर हम, तो कितना ज़्यादा ग्रोथ रेट था, कितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती थी। बट एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है कि अब लोग होशियार होंगे, लोग समझदार होंगे और पॉपुलेशन को समझेंगे और ग्रोथ रेट हमारी कम होती चली जाएगी, जिससे कि हमारा नेचर बचा रहेगा। और नेचर बचा रहेगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नेचर को बर्बाद करेंगे उतना ज़्यादा नेचर हमें अपना गुस्सा दिखाएगी और एक दिन ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ना हो इसी वजह से बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। वही सारे स्टेप्स के बारे में थोड़े बहुत इस चैप्टर में बताया गया है। और आप लोग डिटेल के साथ इस चैप्टर में जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आप लोग देखेंगे उसमें तो आपको याद आएगा थोड़ा थोड़ा कि हमने एक चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब ये आप लोगों का एक चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू था, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग एक ओवरव्यू प्रेजेंट कर पाओगे कि हम लोग कैसे अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, कौन सा स्टेप उठाया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या करा, उन्होंने एक रिपोर्ट पास करी, वो क्या रिपोर्ट थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये सब आप बता पाओगे। इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स पक्का आएंगे पेपर में, कोई भी आप लोगों के मार्क्स को नहीं रोक सकता अगर आप लोग ऐसी डिटेल्स लिख के आएंगे तो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे मिलते हैं अब आगे हम अगली वीडियो में, अगला चैप्टर, अगली वीडियो, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कोई गलतियाँ हो तो हम अगले चैप्टर में उनको ज़रूर से ज़रूर ठीक कर सकें और आप लोगों को सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।